शब्द है लेकिन ओंकार शब्द नहीं है, ध्वनि है। ओ ध्वनि है। और इस ध्वनि में 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान समाहित है। अब इसमें से कौन निकाल सकता कि ज्ञान क्या है? जैसे हवा है, हवा में आपको क्या पता क्या क्या? आप तो कहोगे ऑक्सीजन है। अब वैज्ञानिकों से पूछो, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ना जाने कितनी तरह की गैसें होती हैं। लेकिन क्या आप जान सकते हो? नहीं जान सकते हो, है ना? तो ऐसे एक आवाज में, इस दिव्य ध्वनि में 11 अंग 14 पूर्व होते हैं। और भगवान की तो दिव्य ध्वनि खिलती है और उसमें से जो खिलती है तो गणधर उस बात को समझ करके उसमें से निकालते हैं। और वहाँ जो देवता होते हैं, वहाँ जितने जीव बैठे होते, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई बुंदेलखंड का है, कोई महाराष्ट्र का है, पशु की भाषा, देवों की भाषा, सबकी भाषा में अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहाँ जो भक्त बैठे होते हैं उनको उस भाषा में सुनाई पड़ जाता है। अभी संसद में क्या होता है? संसद में मान लो वहाँ आपके कोटा के ओम बिरला स्पीकर बन गए, अब वो बोलेंगे हिंदी में। अब वहाँ कर्नाटक का विधायक भी बैठा है, कर्नाटक का राज्यपाल भी बैठा है, है महाराष्ट्र का भी बैठा है, उसको हिंदी नहीं आती है तो कैसे हो फिर? तो फिर वो हेडफोन लगा देते हैं कान में और वो जो वहां से बोलते हैं उसकी भाषा कंप्यूटर से तुरंत कन्वर्ट होके उनके कान में हिंदी रूप सुनाई पड़ जाती है। ये कहां से आया? ये हमारे भगवान के समोशरण से आया। भगवान का समोशरण क्या? समोशरण, सम शरण, जिसको जहां पर सबको समान रूप से शरण मिलती है उसको कहते हैं समोशरण। सबको समान रूप से मिलती है, वहां कोई छोटा नहीं, वहां कोई बड़ा नहीं। पशु आए तो उसके लिए भी स्थान है, शेर आए, गाय आए, हाथी आए तो वो उसके लिए भी स्थान है, हैं देवता आए तो उनके लिए भी स्थान है, गरीब आए तो उनके लिए भी स्थान है, मुनिराज है तो उनके लिए भी स्थान है, हैं सबके लिए बराबर स्थान मिले जहाँ पर, उसको कहते हैं सम शरण, समव शरण। ठीक है, गणित में करण का, भव से तरण का और भगवान के समव शरण का। तो भगवान का जो समव शरण है वो पुण्य भूमि पर लगता है। सबसे पहले तो भगवान देख ले, भगवान कौन है? तीर्थंकर हैं या तीर्थंकर नहीं है? भगवान कौन बनता है? जो तीर्थंकर होते हैं। अरे बोलिए ना, भगवान कौन बनता है? बाकी लोग थोड़ी भगवान बन सकते हैं, है ना? अरे बोलिए ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। तीर्थंकरी तो भगवान बनेंगे, बाकी लोग कैसे भगवान बन सकते हैं? अरे चुप कैसे बैठे, कुछ तो बोलो। बन सकते हैं? और सामने वाले ने कहा तो तुमने भी कह दिया। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री मनुष्य है कि नहीं है? और तुम मनुष्य हो कि नहीं हो? पर तुम में और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? वो इस देश को चला रहा है, स्वयं अच्छे से रहता है और दूसरों को अच्छे से रहने की प्रेरणा करता है और उस हिसाब से उसका जीवन सबके लिए काम आ रहा है। हमारा जीवन परिवार के लिए काम आता है, समाज के लिए काम आता है, लेकिन उसका जीवन पूरे देश के लिए काम आ रहा है। ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और अन्य भव्य जीवों को चलाते हैं। 8 कर्म की 148 भेद की प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम की प्रकृति भी होती है और जो इसका बंध कर लेता है वो तीर्थंकर बनता है। तो भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, फिर वो
स्वर्ग गए, वहां से चयकर फिर इस धरती पर आए, फिर उनके पंच कल्याण हुए, ऐसे तीर्थंकर बने। तो बाकी जीवों के पंच कल्याणक होते हैं कि नहीं होते? आप लोगों के पंच कल्याणक हुए कि नहीं? देखो पंच कल्याणक कितने, कल्याणक कितने होते? पांच। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? गर्भ, जन्म, तप में से कितने हो गए आपके? उंगली दिखा दो मुझे। हाँ, अच्छे से, जिसके दो हो गए तो दो। तप, ज्ञान, जिसको ज्ञान हो, जिसने थोड़े उपवास व्रत तपस्या करता हो तो उसके तीन हो जाएंगे, थोड़ा ज्ञान हो गया हो तो चार हो जाएंगे। हाँ, उंगली दिखाइए, किसके कितने कल्याणक हो गए? दो हुए हैं। अच्छा, उपवास व्रत नहीं करते हो, बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ दो कल्याणक वाले बैठे हैं। जिनका गर्भ स्वयं के और दूसरों का कल्याण करता है उसको गर्भ कल्याणक कहते हैं। जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों का कल्याण करता है, कल्याण का कारण होता है, उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। और जिनका तप, ज्ञान, मोक्ष कल्याण का कारण होता। भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक कब हुआ था? चतुर्थ काल की शुरुआत हैं, है ना? और हम आज तक उनका नाम लेके अपना कल्याण कर रहे हैं। उनका जन्म कल्याणक आज तक मनाकर हम अपना कल्याण कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कल्याणक। वो जब वो थे तब भी स्वयं का कल्याण किया, औरों को कल्याण किया, और जब वो मोक्ष चले गए तब भी जीवों का कल्याण हो रहा है, इसको कहते हैं कल्याणक। अब तुम्हारे माध्यम से कितनों का कल्याण हो रहा है? जब भगवान का गर्भ हुआ था तो 6 महीने पहले और 9 महीने बाद तक रत्नों की वृष्टि कुबेर ने करी थी। आपके यहाँ क्या बरसा था? हाँ जी, चेतन जी, कुछ नहीं बरसा, तो कल्याण नहीं हुआ। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ था तो सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी को लाकर के सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था, तो आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? अरे बोलिए ना। हाँ जी, विश्वास जी, आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? एक दाई ने टब में रख के लोटा डाल दिया होगा, ऐसे ही अभिषेक हुआ होगा, है ना? ये तीर्थंकर भगवान है, बहुत महान है, बहुत महान है, बहुत महान है। इनकी महानता का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा लिखा है क्या कहीं पर? त्याग भोग का, भोग त्याग से भोग मिलते हैं, ऐसा सही है या गलत है? त्याग से भोग मिलते हैं, सही नहीं है? त्याग से क्या मिलता है? भगवान ने पिछले जन्म में मुनिराज बने, सब कुछ त्याग किया, खूब तपस्या करी, समाधि हुई, स्वर्ग चले गए, क्या मिला? भोग मिलेगी नहीं मिले? त्याग से भोग मिलेगी नहीं मिले? वो भोगे ना, ये बात अलग है, वो भोगे ना, ये बात अलग है। मिले तो फिर वहां से चय करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया था, फिर गर्भ में आए। भगवान महावीर का उदाहरण ले लेते हैं, हैं, त्रिशला माँ के गर्भ में आए। अब वो तो अभी गर्भ में आए हैं और लक्ष्मी पहले आनी शुरू हो गई, रत्न की बारिश पहले हो गई। त्याग कब किया था? पिछले जन्म में किया था और अभी तक चल रहा है। जन्म लिया, फिर सौधर्मिंद्र आ गया सारे भोगों के साधन लेके, फिर थोड़े बड़े हुए तो भोजन वस्त्र सब स्वर्ग से आने लगे। किससे आए? मांगने से आए या त्याग से आए? ये त्याग की महिमा है या भोग की महिमा है? त्याग की महिमा है। फिर थोड़े युवा हुए, बड़े हुए, फिर दीक्षा ले ली भगवान ने। जब दीक्षा ले ली फिर सब छोड़ दिया, पूरी लक्ष्मी छोड़ दी, महल छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। फिर हुआ केवल ज्ञान। क्या हुआ? केवल ज्ञान, चार घातिया कर्मों का नाश हुआ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी
और अंतराय, चार कर्मों का नाश हुआ है ना, तो क्या हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति प्रकट हो गई। क्या हो गई? अनंत शक्ति प्रकट हो गई। अब भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिला। नम 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 नम, अरे क्या बात है, कौन मेरा सिंहासन हिला सकता, किसमें ताकत है? अवधि ज्ञान लगाया, अरे प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पहले तो 7 कदम आगे जाके नमस्कार किया, साष्टांग प्रणाम किया, और उसके पश्चात फिर कुबेर को बुलाया, अन्य इंद्रों को बुलाया, जाओ धरती पर समोषण की रचना करो। समोषण की रचना में क्या लगाया था, क्या मटेरियल लगा था? ईंट, लोहा, रेत, सीमेंट, मार्बल, किस चीज का बना था? अरे बोलिए ना, किस चीज का समोषण बना था? हैं? हीरा, पन्ना, माणक, मोती, जितने तरह के रत्न दुनिया में होते हैं, कीमती से कीमती और नकली नहीं, असली रत्न, वो सारे मिल करके समोषण की रचना करते। जिसको कमाते कमाते तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है, जिसकी सुरक्षा करते 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 तुम यात्रा के लिए नहीं जा पाते हो, घर खाली नहीं छोड़ सकते, समय का पता नहीं है, हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हो? वो घर खाली नहीं छोड़ सकते ना, प्रवचन में भी नहीं जा पाते आजकल, अरे आजकल बड़ी चोरियां हो रही हैं, जिसकी रक्षा करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है, जिसको समेटते समेटते तुम्हारा जीवन निकल जाता है, जिसको गिनते गिनते तुम्हारे हाथ थक जाते हैं, हैं? ऐसी वस्तुएं भगवान के चरणों में होती हैं और कमाते नहीं है, आती है, आती है, दौड़ दौड़ के आती है। कौन लेके आता है? कुबेर इंद्र लेके आता है। इस फटिक मणि का फर्श बनता है, इस फटिक मणि की सीढ़ियां बनती हैं, रत्नों के वहां पर पेड़ बनते हैं, पन्ने के पत्ते होते हैं, लाल मणि के फल होते हैं, उसमें जितनी तरह के रत्न होते हैं सबका उपयोग किया जाता, जो दीवार होती है वो भी सब मणियों की होती है, एक भी सामान्य चीज की नहीं होती है। यहाँ तो एक वो ईंट मिट्टी लोहे का मकान बना ले इंसान जीवन में तो अपने आप को समझता गंगा नहा लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने, मकान बनाया, अरे बड़ी मेहनत करी मैंने, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, सब लगा दिया मैंने अपने मकान में, ऐसा लगता है जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर दिया हो मकान बना के। और ये मकान कितनी बार बनाए, अनंत बार बनाए हैं ये मकान, सांप थे तो बामी बनाई, चींटी थे तो बिल बनाया है, चिड़िया थे तो घोंसला बनाए, हर हर जन्म में बनाए हैं और हर जन्म में छोड़ के चले गए हैं, बस मनुष्य बने तो जरा ईंट मिट्टी का बना लिया अच्छे से, अच्छे तो नहीं अंतर है, और तो कोई ज्यादा अंतर है नहीं है। भगवान का समोषण किसने बनाया? भगवान ने, अरे बोलिए ना, किसने बनाया? देवों ने बनाया, कुबेर ने बनाया भगवान का समोषण। अरे तुम तो खुद की आत्मा की सेवा करो, तुम्हारी सेवा करने देवता आ जाए। और इन सब की जरूरत क्या है? जब भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया तब ये समोषण बनाने की जरूरत क्या है? इतने धन वैभव की जरूरत क्या है? क्यों भगवान के पास में इतना धन वैभव आता है? ऐसा प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। अरे मंदिर में जब भगवान ने सब छोड़ दिया तो एक ढांचा खड़ा कर दो, भगवान को बिठा दो, इतने वैभव की जरूरत क्या है? ये समोषण की जरूरत क्या है? ऐसा प्रश्न आ सकता है कि वीतरागी भगवान है, उन्हें तो कुछ लेना देना है नहीं, फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? यदि अंधेरा ना हो तो उजाले की पहचान नहीं होती है। यदि तुम्हारी जो नाटक है, तुम्हारे नाटक हैं, उसमें खलनायक ना हो तो नायक की पहचान नहीं होती है। राम की, राम को प्रसिद्धि किसने दिलवाई?
तो किसको धन्यवाद देना चाहिए? नहीं नहीं, बुराई है, बुराई और अच्छाई का प्रतीक है। बुराई तो बुराई है, यदि बुराई होती है तो अच्छाई की पहचान है। अच्छाई की पहचान कब होती है? जब बुराई दिखती है। यदि बुराई ना दिखे तो अच्छाई की पहचान कैसे हो? इसलिए धन्यवाद वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ पहचान के लिए जरूरी है। अब भगवान है वीतरागी, कैसे हैं? भगवान है वीतरागी और ये सारा राग का वैभव है। इतने माणिक मोती पन्ना ये सब भगवान का वैभव, ये सब ये बताता है कि देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। इसका मतलब कि राग सब कुछ नहीं है। यदि दुनिया में सब कुछ है तो ये वीतरागता है, यदि प्राप्त करने योग्य है तो वीतरागता है। जब ऐसे तीर्थंकर भगवान ने ऐसा सब कुछ वैभव मिलने के बाद यदि छोड़ दिया तो ये पहचान कराई जा रही है कि दुनिया में कुछ ग्रहण करने योग्य है तो अपनी आत्मा। ये संसार का वैभव छोड़ने योग्य है, ये वहाँ जाकर ये पहचान कराई जा रही है। और इसलिए समोषण में इतनी सामग्री लगाई जा रही है। तुम अपने महल को अपने घर को क्या सजाओगे? ताकत ही नहीं है तुम्हारे अंदर इतना सजाने की जैसा भगवान का ये समोषण महल होता है। और उसके बाद भी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है। ये समोषण जो है, सबसे पहले एक इंद्र नीलमणि की शिला होती है। ये चौकोन अपन ने यहाँ स्टेज बनाया ना, ऐसे इंद्र नील मणि की बहुत बड़ी, जितना बड़ा समोषण होता है उससे भी बहुत बड़ी एक शिला होती है, उस पर समोषण की रचना होती है। सबसे पहले उस पर चढ़ते हैं, फिर जाते हैं तो सबसे पहले मानसस्तंभ मिलता है। देखिए क्या रखा है, सबसे पहले मानसस्तंभ रखा है। अभी तो हमने बहुत सामान्य रूप में बनाया है, वहां तो जो आदिनाथ भगवान का समोषण था वो 12 योजन का था। कितने योजन का? यानी पूरा आप कोटा से भी बहुत आगे तक ले लो, उससे भी बड़ा समोषण था। तो जो सबसे पहले मानसस्तंभ, तो मानसस्तंभ भी इतना सिंपल नहीं होता। मानसस्तंभ के चार तरफ चार बावड़ी होती है, पहले उसमें पैर धो, फिर उसके बाद जाके मानसस्तंभ के दर्शन करो। फिर वहां जो मानसस्तंभ वाली बावड़ी होती है उसमें जल होता है, उस जल से भगवान का अभिषेक होता है, भर भर के ले जाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ 20,000 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए होती हैं, तो अब आप 20,000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो दम निकल जाएगा। लेकिन वहां जैसे ही आप पहली सीढ़ी पर पैर रखते हो वहां देवताओं का अतिशय होता है। कब जहां आपको जाना है, कब वहां पहुंच जाते हो आपको पता नहीं चलता है। फिर ये देखो, आप देख रहे हैं इसको ध्यान से, ये बीच बीच में गलियां गलियां बनी हुई हैं, गलियां गलियां। ये ऐसे ऊपर समोषण ऐसे बनता है। पहले एक, आपने कहीं बना हुआ देखा तो होगा ना, 1, 2, 3। तो सबसे पहले होती है चैत्य भूमि। कौन सी भूमि? चैत्य भूमि। चैत्य भूमि में चैत्य यानी मंदिर, तो यहाँ पर चैत्य यानी भगवान, चैत्य यानी आत्मा। तो यहाँ पर बहुत सारे चैत्यालय चैत्यालय बने होते हैं। पहली भूमि में क्या बना होता है? बहुत सारे चैत्यालय चैत्यालय मंदिर मंदिर बने होते, और वो मंदिर भी इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। अभी आप कहते ना जहाजपुर जाते हैं तो ऐसा लगता है यही बैठ जाओ, बस वापिस मत जाओ, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत लोग आकर कहते हैं ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस ना जाना पड़े, बस वहीं बैठ जाओ। और जो चैत्य भूमि के मंदिर होते हैं वो भी अति सुंदर होते हैं, जहाँ जाके बैठ जाओ वहीं से उठने का मन ना करे। और मंदिर भी कैसे होते हैं, ऐसे नहीं होते कि केवल हमने एक बना दिया परिसर और मंदिर बन गया, नहीं। पहले आंगन होता है, फिर द्वार होता है, फिर बरामदा होता है, फिर आंगन होता है, फिर वहां पर ऐसे मतलब बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसके बाद जाके भगवान के दर्शन होते हैं। पुराने मंदिर आपने देखे ना कैसे बने होते हैं? आप प्राचीन मंदिरों को देखो, बीच में आंगन जरूर मिलेगा। उसके दो कारण,
पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, तो लाइट नहीं होती थी तो लाइट, हवा, उजाला, सारी चीजों के लिए वो आंगन होता था। दूसरी बात, वो बीच का स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। यदि ब्रह्म घर में भी यदि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ दिया जाए, जो वास्तु जानते होंगे वो उनको पता है, यदि ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ दिया जाए तो घर के जितने यदि वास्तु दोष होते भी हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। यानी घर में आंगन होना बहुत जरूरी है। आज बीमारी का कारण क्या है? घर में ब्रह्म स्थान नहीं है, घर में उजाला नहीं है, घर में हवा नहीं है, घर में शुद्ध हवा नहीं है, रोशनी नहीं है। और बहुत से घर तो ऐसे होते एसी वाले, पूरा घर एसी है तो उनके घर की खिड़की कभी नहीं खुलती है, खिड़की कभी नहीं खुलती है। ऐसे घर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जहाँ शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, अब वहाँ स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? शरीर हमारा प्रकृति के अनुसार बना है तो प्रकृति को प्रकृति ही ठीक करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वहाँ पर जो चेत्यालय, जो चैत्य है, वहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर होते हैं। आप लोग मंदिर में वो बनवाते हो ना, कहीं संसार वृक्ष का, कहीं चक्रवर्ती का, कहीं तीर्थंकर के पंच कल्याणक, कहीं पारसनाथ के दस भाव बनवाते हो ना। ये परंपरा कहाँ से आई है? इसी चैत्य भूमि से आई है। वहाँ के मंदिरों में वो सारे चित्र बने होते हैं। अब दर्शन तो कर लिए, अब क्या करें? अब चित्र देखो, समझो, पढ़ो उन चित्रों को देख के, समझो कि ये क्या बता रहे हैं, चित्र क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ मंदिरों में चित्र होते हैं और समोषण के मंदिरों में। तो जो वर्तमान में हम मंदिर बना रहे हैं वो भी हमारे मंदिर इसी समोषण का प्रतीक है, इसीलिए उसमें चित्र भी होते हैं, है ना। भगवान होते हैं, चित्र होते हैं, वो सारी चीजें उसमें उपलब्ध। मानस तत्व मनाया जाता है, सारी चीज बनाई जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं घर से? मंदिर के दर्शन करने नहीं जा रहे, हम समो शरण में तीर्थंकर के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसी भावना के साथ में जब आप मंदिर आते हो तो आपके अनेक जन्मों के पाप वैसे कट जाते हैं। आपने मन में विचार बनाया कि मुझे मंदिर जाना है, आपको एक उपवास का फल मिल गया। आपने तैयारी करी, नहाने धोने चले गए, मुझे जल्दी करो, मुझे मंदिर जाना है, आपको 10 उपवास का फल मिल गया। आप तैयार होकर के निकल गए चावल लेकर के, आपको 100 उपवास का फल मिल गया। आप मंदिर के बाहर तक पहुंचे, आपको 1000 उपवास का फल मिल गया। आपने घंटा बजाया, आपको 1,00,000 उपवास का फल मिल गया। और जब आपने भगवान के दर्शन किए तो आपको करोड़ों उपवास का फल मिल गया। इसीलिए मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए। कम से कम घर में जितने पाप हो रहे हैं, पाप होते कि नहीं होते घर में? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल, परिग्रह होता कि नहीं होता? तो उन सब का नाश कैसे हो? वो पाप को हल्का कैसे करें? कर्मों को हल्का कैसे करें? वो हल्का करने के लिए मंदिर होता है। और जब इकट्ठे, अभी तो पता नहीं चलेगा भाई, किसी के हाथ में एक कागज रखा जाए, वजन लगेगा? नहीं, दो, तीन, चार, पांच, छह, 1,000, 2,000, 10,000, फिर क्या होगा? बोलिए ना, वजन लगेगा? और कितना लगेगा? तो जब तक पाप कम है तब तक आप घर में आराम से रह रहे हो, और जिस दिन ये वजन ज्यादा हो जाएगा फिर दुखी होगे, फिर बाद में मंदिर आओगे। तो पहले आ जाओ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान हमारे घुटने ठीक हो जाए तो हम रोज मंदिर आएंगे। जब घुटने ठीक थे तब क्या करते थे? दुकान से मकान, मकान से दुकान, तब मंदिर नहीं आया। घूस दे रहे भगवान को, भगवान घुटने ठीक हो जाए तो मंदिर आएंगे, भगवान हमारी आंखें ठीक हो जाए तो आपके दर्शन करने आएंगे। जब आंखें ठीक थी तब क्या करते थे? मोबाइल चलाते थे, तब टीवी देखते थे, पिक्चर देखते थे, मूवी देखते थे, तब याद नहीं आई भगवान की। अब घूस दे रहे भगवान ठीक हो जाए तो आएंगे, और जैसे ही ठीक होगी, क्योंकि आदमी बड़ा स्वार्थी है, इसका काम हो जाए ना तो जो बोला हुआ है वो भी भूल जाता है। अरे बोलिए ना, ऐसा है या नहीं है? एक ब्राह्मण था, वो पेड़ पे चढ़ा नारियल तोड़ने के लिए। अब वो बहुत ऊंचे पहुंच गया, उसे बड़ा डर लगा, अरे मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा।
अब उसने मन में विचार किया कि भगवान यदि मैं ठीक ठीक नीचे उतर गया तो मैं 100 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, फिर आधे में आया, अब 50 को कराऊंगा, फिर आधे में आया, बोले अब 20 को कराऊंगा, और जब नीचे आया बोले मैं उतरा हूँ, कौन सा भगवान ने उतारा है। यानी कि बड़े बड़े काम भी इंसान समय आने पे और जब दुख होता है तब याद रहते कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो दुख ना हो उसके पहले काम कर लेना चाहिए, है ना। तो गणित में करण का, त्याग के वरण का, और भगवान के समोशरण का, पानी में समंदर का, होने में आत्मा के अंदर का, और भगवान के मंदिर का, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले कल्पद्रुम विधान का। अब मैं आपको प्रतिदिन इन भूमियों के विषय में बताऊंगी कि आज बताया मैंने कौन सी, चैत्य भूमि, कल मैं बताऊंगी आपको खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, है ना, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि, इन सब भूमियों, ध्वज भूमि, इन सब के विषय में बताती जाऊंगी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा हम समो शरण में ही बैठे हैं। तो आज कहाँ के दर्शन किए, चैत्य भूमि के, बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और समो शरण में चैत्य भूमि का। जिन्होंने हमें कल इस अतिशय क्षेत्र के लिए अपने द्रव की घोषणा की, दान की घोषणा की, मैं उनके नाम बता देता हूँ। रजत शिला के लिए 11,000 रुपए की राशि श्रीमती बबीता जी, अनिश जी, पांड्या परिवार कोटा से। रजत शिला के लिए ही श्रीमान महावीर प्रसाद जी, प्रेम देवी जी, मनोज जी, मिहू जी, पहाड़िया करपेटिया आसाम से। श्रीमान नरेश कुमार जी, उमा जी, दीपक जी, अनुराधा जी, नमन जी, झील वाले दिल्ली से। श्री सूर्य कुमारी जी, देवेश जी, मृदुल जी जैन पुणे से। ताम्रशिला के लिए, और ताम्रशिला के लिए श्रीमती श्रीमान राम बाबू जी, गीता देवी जी जयपुर से। डॉक्टर बिमल कुमार जी, सुलोचना जी सिवनी से। श्रीमान टोरल जी जैन सूरत से। श्रीमान समर्थ जी जैन सूरत से। श्रीमान कनक जी जैन सूरत से। श्रीमान राजा बाबू जी जैन सूरत से। इनके साथ ही सामान्य शिला के लिए श्री निर्मला जी जैन गणेशपुरा कोटा से। श्रीमान नरेंद्र जी कोटा से। स्वर्गीय श्रीमान सुभाष कुमार जी, श्रीमान विजय कुमार जी, प्रक्षक जी, विराज जी, युवराज जी, आकाश जी, प्रतीक्षा जी जैन दिल्ली से। गुप्तदान केशोराय पाटन से। श्रीमान त्रिलोक चंद जी, सोहन लाल जी, मित्तल परिवार छावनी कोटा से। श्रीमान प्रकाश चंद जी, कमल वाला जी, मिलन विहार दिल्ली से। श्रेया जी, रोहित जी, अर्श जी जैन बेंगलोर से। स्वर्गीय श्रीमती मालती देवी जी। स्वर्गीय श्रीमान अर्जुन लाल जी जैन, अनिता जी, प्रवीण जी उज्जैन से। श्रीमती सारता बेन जी, बाबूलाल जी जैन अहमदाबाद से। महेश जी, मधु जी, अमित जी, जूही जी, अर्पणा जी, सूर्या जी, अनिका जी दिल्ली से। सरोज जी, संजय जी गंगवाल पैठण से। विपुल जी, सुनील जी कलकत्ता से। गजेंद्र जी, आशा जी, श्रेयास जी, सर अनवीत जी, इन्होंने ताम्रशाला के लिए प्राप्त भेजी है राशि कोटा से। इनके अलावा श्रीमान सीताराम जी, सौम्या जी, इन्होंने सामान्य शिला के लिए, गोयल परिवार ने, और इनके साथ ही रजत शिला के लिए शांतिलाल जी, प्रेमचंद जी पाटनी, सुभाष जी मदनगंज किशनगढ़ से। इनके साथ ही श्रीमान एडवोकेट श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती कनक जी, विनीत जी, विनय जी, पांड्या परिवार नयापुरा कोटा से। और इनके अलावा दो नाम श्रीमान जसवंत जी, मयंक जी, ऋत्विक जी, सबदरा परिवार सुमेरगंज मंडी से। नवीन कुमार जी, श्रीमती अंजना जी, दिव्य जी जैन लामावास परिवार किशोराय पाटन से। इन सभी ने हमें इस तीर्थ क्षेत्र के लिए जीर्णोद्धार में, सिलाई योजना में अपना सहयोग प्रदान किया। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। बोले देवादि देवी खजराट श्री मुनिशुभनाथ भगवान की। बंधुओं, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में ये किशोराय पाटन अतिशय क्षेत्र की पावन भूमि और भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का ये साक्षात समोसरण जिसमें आप सभी विराजमान हैं और उसका धर्म लाभ ले रहे हैं। तीर्थंकर भगवान की वाणी के स्वरूप पूज्य माता जी की ये पावन वाणी हम सभी को सुनने को मिल रही है। बंधुओं, 5 जुलाई तक पूज्य माता जी ने जो आदेश दिया था, इस क्षेत्र की जो प्रशस्ति लिखी जानी है वह ताम्रपत्र 5 जुलाई तक लिख करके तैयार होकर के आएगा। जिन भी परिवारों ने 108 परिवार जो उसमें नाम अंकित होने हैं, जिन भी परिवारों के अभी तक नाम की स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है, उनसे निवेदन है 5 जुलाई से पहले पहले उस परिवार का नाम, उस प्रशस्ति में अपने परिवार का नाम अंकित कराने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें, जिसकी राशि मात्र 1,11,000 है और वह संपूर्ण विश्व से, भारत
वर्ष से मात्र 108 परिवार ही उस प्रशस्ति में उन परिवारों के नाम अंकित होने हैं। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि उस प्रशस्ति के लिए जो भी परिवार नाम दे रहे हैं वो हमें 5 जुलाई से पहले दे दें। आज 2 जुलाई हो गई है। इसके अलावा 12 जुलाई को जहां पर हम सभी ये माता जी का समोसरण, जहां पर भगवान मुनिशुभनाथ जी का समोसरण लगा है, यहां पर इस क्षेत्र का 12 जुलाई को ऐतिहासिक शिलान्यास होने जा रहा है। उस शिलान्यास में शिला लगाने का सौभाग्य जिसकी राशि हीरक शिला के लिए आप मात्र 51,000 रुपए की राशि, रतन शिला मात्र 31,000 रुपए की राशि के माध्यम से, स्वर्ण शिला मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रजत शिला मात्र 11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, ताम शिला मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से और सामान्य शिला मात्र 2100 रुपए की राशि के माध्यम से अपने परिवार के नाम से स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग दूर हैं और आ नहीं सकते हैं वह अपनी स्वीकृति प्रदान करें। पूज्य माता जी कहती हैं कि धन कमाना परिश्रम से कमाना और पुण्य नहीं होगा तो वह धन भी किसी कार्य का नहीं होगा, न कमा पाएंगे। हमें आज जो धन की प्राप्ति हो रही है वह पुण्य के प्रताप से हो रही है और आज इस किशोर नए पाटन में उस पुण्य को दोगुना करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो अपने उस चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इस क्षेत्र से जुड़ करके, इस शिलान्यास में जुड़ करके हमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही हमें अभी अभी श्रीमती रेणु जी नोएडा से 11,000 रुपए की राशि रजत शिला के लिए और 21,000 रुपए की राशि सीए विनोद कुमार जी, पुष्पा देवी जी भोपाल से बहुत बहुत अनुमोदना। तीर्थ कार्यकारिणी कमेटी की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। महानुभाव, इस क्षेत्र पर चल रही योजनाओं में पूज्य माता जी ने कहा है कि ऐसे परिवार जो इस क्षेत्र को, क्योंकि यह क्षेत्र इतना प्राचीन और इस प्राचीन क्षेत्र को पकड़ने का, उसको संभालने का भी आप निर्माण सारथी के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि देकर के इस क्षेत्र के निर्माण सारथी बनने का सौभाग्य, 5,00,000 रुपए की राशि देकर के इस क्षेत्र के संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप सभी 12 जुलाई को होने वाले उस ऐतिहासिक शिलान्यास में सम्मिलित हों, अपने परिवार के नाम से अपने हाथ से एक शिला लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। यह अवसर बड़े पुण्य से प्राप्त हो रहा है क्योंकि 2,500 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र का जब शिलान्यास हुआ होगा वो सौभाग्य हमें नहीं मिला, लेकिन यह सौभाग्य आज हमें पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा सौभाग्य हमारे हाथ से ना जाए और उस शिलान्यास में एक शिला लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। पूज्य माता जी के संग में ब्रह्मचारिणी दीदी स्वाति दीदी जी हैं, उनके परिवार से उनकी जन्मदिन पर 5100 रुपए की राशि उन्होंने भेंट की है, बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ ही 5100 रुपए की राशि श्रीमान अशोक कुमार जी, अनंत कुमार जी, आयुषी जी, अशोक जी कोटा वालों ने हमें प्रदान की है, उनके भी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमारी जी, जमन जी कटारिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बाबूलाल जी, नरेंद्र कुमार जी देही वालों ने भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है, उनके भी बहुत बहुत अनुमोदना। और महानुभाव, ये विधान चल रहा है कल्पद्रु महामंडल विधान, इस विधान में जो लोग नहीं बैठ पाए हैं लेकिन भावना ऐसी होती है कि हम भी इसमें द्रव्य लगा लेते, हम भी इसमें सम्मिलित हो जाते तो हमें भी वह पुण्य प्राप्त हो जाता। तो बंधु, जैसा कि अभी भैया जी ने बताया था, मैं आमंत्रित करता हूं, अगर हम बैठ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें द्रव्य लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक दिन की द्रव्य की राशि मात्र 11,000 रुपए है। अगर वह अपने परिवार के नाम से एक दिन के द्रव्य की राशि देना चाहे तो 11,000 रुपए की राशि देकर के एक दिन की सामग्री देने का सौभाग्य, पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही 11,000 रुपए की राशि रेणु जी जैन नोएडा ने उन्होंने प्रदान की है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। और इसके साथ ही बंधुओं, सभी के भोजन व्यवस्था चल रही है, अगर जो भी उसमें अपना नाम देना चाहे एक दिन की भोजन व्यवस्था के लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से अपने परिवार के नाम से इस विधान में बैठने वाले सभी इंद्रियों के भोजन की व्यवस्था अपने परिवार के नाम से करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 21,000 रुपए में जो भी परिवार अपना नाम देना चाहे वह हमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। शंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुण गान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुण गान
मूर्ति भगवान की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशव राय पाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5,100, सामान्य शिला 2,100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।